बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पलटू राम पलटने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार लाख दावा करते घूमे हों कि अब वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चा है कि एक बार फिर से वह वही कर सकते हैं जिसके लिए वे बदनाम हैं। नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और कभी भी महागठबंधन की पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के साथ जा सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने और कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं, वे कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, उन्होंने सभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर के ये दावे यूं ही नहीं हैं। नीतीश कुमार एक घाघ राजनेता हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो साफ है कि भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जब से आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से नीतीश कुमार सरकार चलाने में सहज नहीं है। उन्हें आरजेडी के दागी नेताओं को मंत्री बनाना पड़ा, बाद में अनर्गल बयानबाजी और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नीतीश के सरकार चलाने में कई दिक्कतें आईं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ तो गलत नहीं होगा। वहीं आरजेडी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार इन बयानों से भी असहज हुए हैं। साथ ही उनकी महत्वाकांक्षा जरूर पीएम पद का उम्मीदवार बनने की है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को साधने के लिए इतना आसान भी नहीं है। इसलिए वो अपने मुख्यमंत्री पद को बचाए रखने के लिए सभी मोहरे सही जगह जरूर सेट करना चाहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनके कई दावे देश में सच हुए हैं। ऐसे में उनका एक बार फिर से ये दावा चौंकाने वाला है कि नीतीश कुमार भले ही इन दिनों आरजेडी के साथ हैं, लेकिन वे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और वह लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। पीके ने वो कड़ी भी बताई जिसके जरिए नीतीश भाजपा के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में आपने वोट दिया, ये आदमी 2017 में आपको ठग कर भाग गया। आप नीतीश को मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, ये फिर आपको ठग कर निकल जाएगा। प्रशांत ने ये भी कहा कि मुझे कुछ आए चाहे न आए, चुनाव लड़ना तो अच्छे से आता है। अपनी जन सुराज पद यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के भेड़ी हरवा पंचायत में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उस पद को छोड़िए या उस सांसद को हटाइए। प्रशांत किशोर का इशारा जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास करने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। पीके ने कहा कि लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वह बीजेपी की ओर वापस जा सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे यह जानकर चकित रह जाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और अपनी पार्टी के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश सहित भाजपा पर जमकर हमला किया, हालांकि जेडीयू ने इस बात से साफ इनकार किया है। जेडीयू के नेता ने इसे पूरी तरह से भ्रामक बताया और कहा है कि प्रशांत किशोर इस तरह की बात करके भ्रम फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के गाली गैंग को न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि एक तरह से उन्होंने चुनाव की दिशा भी तय कर दी। अरविंद केजरीवाल के झूठ की सियासत और गोपाल इटालिया की बदजबानी पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हमला किया। गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उनकी माँ जिनकी उम्र करीब 100 साल है हीराबा के खिलाफ भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है जो बार बार गुजरात और इसके लोगों को गाली देते हैं तथा उनका अपमान करते हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने राज्य के लोगों से निराशावादियों और झूठ बोलने वालों से दूर रहने का आग्रह किया। पीएम मोदी 4155 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत करने के बाद जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित करते वक्त लोगों से पूछ रहे थे कि अगर भारत से कोई कुछ हासिल करता है या सफल होता है तो एक भारतीय के रूप में आप गर्व से भर जाएंगे या नहीं। अगर दक्षिण भारत के वैज्ञानिक इसरो में सफल होते हैं
तो आप खुश होंगे या नहीं? अगर हरियाणा का कोई युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो आप खुश होंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि बेशक कोई भी भारतीय देश में कहीं भी रहने वाले किसी भी अन्य भारतीय की उपलब्धियों से खुश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले दो दशकों से हमने देखा कि जब गुजरात के लिए कुछ अच्छा होता है या कोई गुजराती कुछ हासिल करता है तो विकृत मानसिकता वाले लोग इसे पसंद नहीं करते। वे गुजरात का अपमान करते हैं और गुजराती लोगों को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सोचते हैं कि अगर वे गुजरात और गुजरातियों को गाली नहीं देंगे तो उनका काम अधूरा रहेगा। मोदी ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात और इसके लोगों को दिन रात गाली देने वालों और उनका अपमान करने वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या गुजरात की छवि खराब करने वालों को हमें बर्दाश्त करना चाहिए? उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के लोगों को गाली नहीं दी जानी चाहिए और उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए साथ काम करना चाहिए। गुजरात के लोगों को निराशावादियों के साथ ही साथ झूठ बोलने वालों से भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जिस वजह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका, अब उसी बात से इनकार करने लगी हैं। ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि सिंगूर से टाटा मोटर को उन्होंने नहीं बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भगाया था। बनर्जी ने कहा, उन्होंने सिंगूर के किसानों की केवल वे जमीनें लौटाई थीं जिन्हें हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर की नैनो कार फैक्ट्री के लिए पूर्व वाम मोर्चा सरकार ने जबरन कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने टाटा को पश्चिम बंगाल से भगा दिया। मैंने उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि यह माकपा थी जिसने उन्हें यहाँ से भगाया। सीएम ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि इसमें कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा कहना पड़ रहा है। उन्होंने सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने नैनो कार की फैक्ट्री के लिए किसानों से जबरन जमीन ले ली थी और हमने वह जमीन उन लोगों को लौटा दी थी। हमने भी बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन कभी किसी से जबरन जमीन नहीं ली। हम जबरन जमीन क्यों लें, जब यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है? ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सीपीएम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिलचस्प ये है कि खुद रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार की फैक्ट्री सानंद लिए जाने की घोषणा करते वक्त इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर डाली थी। तब उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि यदि आप मेरे सिर पर बंदूक रखते हैं तो आप या तो ट्रिगर खींचते हैं या बंदूक हटा लेते हैं, क्योंकि मैं अपना सिर नहीं हिलाऊंगा। मुझे लगता है कि सुश्री ममता बनर्जी ने ट्रिगर खींच लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक कारखाने को डायनामाइट से उड़ा दिया था जिसका 80% निर्माण पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में राज्य के इतने सारे युवाओं के सपनों को नष्ट करने जैसा था। वह अब युवाओं को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी को एक उद्योग में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वास्तव में सिंगूर में ममता के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने वाम मोर्चे के ग्रामीण वोट बैंक को उनके पाले मिला दिया था। यही वजह थी कि 2011 में ममता वामपंथियों के 34 साल के शासन का अंत कर मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि तब से टाटा समूह का पश्चिम बंगाल में ताजा निवेश एक भ्रम बना हुआ है। सिंगूर में 2000 के दशक के मध्य में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के लिए ममता बनर्जी की अक्सर उनके विरोधियों विशेष रूप से सीपीएम उनकी आलोचना करती रही है, जिसमें उन पर आरोप लगता रहा है कि उनकी ही वजह से टाटा समूह ने अपनी महत्वाकांक्षी नैनो कार निर्माण परियोजना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस परियोजना का कुछ काम पूरा हो भी चुका था। इस परियोजना से हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलती। इस आंदोलन ने राज्य में ममता बनर्जी को जीत दिलाने में बड़ी मदद की थी, जिसमें उन्होंने 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। अडानी समूह के ताजपुर बंदरगाह परियोजना और देउचा पचामी कोयला खदान परियोजना का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर उद्योगपति यहां निवेश करे। कोलकाता में स्कूली नौकरियों के लिए चल रहे आंदोलन की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार देना जारी रखेगी। हालांकि ऐसी ताकतें हैं जो बाधा पैदा करती हैं। बनर्जी ने कहा कि मैं यहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि यहां के लोगों को रोजगार मिले।
वे उनके लिए बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। हम लोगों को रोजगार देना बंद नहीं करेंगे, हम उन्हें नियमित रूप से रोजगार देंगे और नौकरी नहीं छीनेंगे। जिस आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने बीजेपी को बिहार में पटखनी दी, अब नीतीश कुमार उसी जाल में फंस गए हैं और बीजेपी जमकर बैटिंग कर रही है। असल में नीतीश कुमार की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को किनारे लगाकर अपनी सियासत चमकाने की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के खेल पर ही बंदिश लगा दी। हाईकोर्ट में मिली नीतीश कुमार को मात पर सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को अपने रडार पर ले रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर लिया होता तो ये फजीहत नहीं होती। नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है जिसने 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी। कोर्ट ने उनके अहंकार को तोड़ा। दरअसल बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, बिहार में सरकार बनाई, तभी से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। न वो सरकार चलाने में सहज हैं, न ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई फैसला ले पा रहे हैं। उनके फैसलों पर कभी आरजेडी के नेता ही तंज कसते हैं तो कभी अदालत का फरमान उनके खिलाफ चला जाता है। अब नीतीश की मजबूरियों पर दिग्गज भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने तगड़ा तंज कसते हुए उनकी फजीहत कर दी। असल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की जिद पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। उन्हें कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर दिया होता तो ये फजीहत नहीं होती। मोदी ने अपने बयान में कहा कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निकाय के चुनाव पर रोक लगने का हवाला देकर हम नीतीश कुमार से बार बार कह रहे थे कि निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए विशेष आयोग बनाया जाए, तब हमें आरक्षण विरोधी बताया जाने लगा। मोदी ने आगे कहा, नीतीश कुमार की जिद के चलते निकाय चुनाव बीच में रुकने से अति पिछड़ों को जो करोड़ों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार को झुकना पड़ा और आयोग बनाकर आरक्षण देने और दिसंबर के पहले निकाय चुनाव कराने की बात माननी पड़ी। इससे पहले सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव की भी जमकर फजीहत की थी। उन्होंने कहा था कि IRCTC घोटाला मामले में अभियुक्त तेजस्वी यादव को अदालत की कड़ी फटकार के बाद अपनी जमानत बचाने के लिए माफी मांगनी पड़ी। यदि उनमें हिम्मत है तो वे CBI अधिकारियों को दी गई धमकी को दोहराएं। मोदी ने कहा कि दोबारा डिप्टी CM बनते ही तेजस्वी यादव ने धमकी वाले अंदाज में कहा था कि CBI के जो अफसर लालू परिवार के विरुद्ध जांच में लगे हैं, उनके भी माता पिता बच्चे हैं और वे रिटायर भी होंगे। एक अभियुक्त और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का केंद्रीय जांच एजेंसी को धमकाना एक गंभीर मामला है जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। इस साल जब पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से किसानों के मुद्दे उठाए थे और चुनाव में जमकर इसकी फसल काटी थी। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ हुए सभी किसान आंदोलनों में भी आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ देते हुए जमकर PM मोदी और उनके मंत्रियों को कोसा। यही नहीं, अभी गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसानों से खूब बढ़ चढ़कर वादे कर रही है। लेकिन असल में आम आदमी पार्टी के वादों की हकीकत क्या है और उसने कितना किसानों के लिए काम किया है ये पंजाब में साफ पता चल रहा है। खराब फसलों के लिए मुआवजे और कई फसलों पर MSP के लिए किसान परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में भारतीय किसान यूनियन यानी BKU और उग्राहा भगवंत मान सरकार के खिलाफ लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर एक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने बारिश के कारण खराब हुई फसलों और मरी हुई गायों को लेकर मुआवजे की मांग की। पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने CM के आवास की ओर जाने वाले सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को अवरुद्ध करने की धमकी दी थी। CM आवास के पास भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों का धरना 11वें दिन में प्रवेश कर गया। गौरतलब है कि किसानों ने 9 अक्टूबर को विभिन्न मांगों के समर्थन में अपना अनिश्चितकालीन विरोध शुरू किया जिसमें बारिश और कीट के हमले के कारण जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उन्हें मुआवजा, धान की पराली के प्रबंधन के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा, उन डेयरी किसानों को मुआवजा जिनके फसलों की लंपी बारिश के कारण मृत्यु हो गई। BKU एकता उग्राहा के महासचिव सुखदेव सिंह केकरी कला ने कहा, हम अपनी मांगे पूरे होने तक अपना विरोध जारी रखेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को सड़क के 3 किलोमीटर के हिस्से पर खड़ा कर दिया, जैसा कि किसानों निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलनों के दौरान दिल्ली के पास टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किया था। किसानों का कहना है कि हमें अपने विरोध के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है जो राज्य सरकार पर हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग हमारे आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं।
किसान राशन, गद्दे, रसोई गैस सिलेंडर, पंखे और अन्य आवश्यक सामान भी एकत्रित कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने सड़क किनारे रहने के लिए कुछ अस्थायी झोपड़ियां भी बनाई हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पलटन के झूठ की कलाई हर रोज खुल रही है, खासकर किसानों के मुद्दों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।